फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल फैमिली एसएम टू मैनेजमेंट। दिस इज अवर फिफ्थ वीडियो ऑन प्लेस वैल्यू चैप्टर एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ टू राइट एनी नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, हियर इज अवर नंबर 5632 एंड आई हैव टू राइट दिस नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म और यू कैन से एक्सपेंडेड नोटेशन। ओके, बट फॉर दिस यू शुड नो प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। आपको प्लेस वैल्यू क्या है वो पता होना जरूरी है। इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, हाउ टू राइट प्लेस वैल्यू, हाउ टू रीड नंबर्स, हाउ टू राइट देम वर्ड्स। ओके, तो ये वो वीडियो भी एक बार देख लीजिए ताकि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, यहाँ पे मैंने देखो प्लेस नेम लिखे है, तो ये कौन सी प्लेस आपको पता है? दिस इज द वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड एंड थाउजेंड। तो एक बार मैं उसकी प्लेस वैल्यू लिखते ताकि आपको एक्सपेंडेड नोटेशन अच्छे से समझ में आए। सो द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस डिजिट इज टू। सबसे पहले फेस वैल्यू देखो, फेस वैल्यू इसकी टू है और ये वंस प्लेस है, तो ये हो गया टू। नेक्स्ट है थ्री, थ्री इज द फेस वैल्यू और ये कौन सी प्लेस है? टेन, तो ये हो गया थर्टी। मीन्स इस थ्री की वैल्यू क्या हो गई? प्लेस वैल्यू थर्टी। नेक्स्ट है सिक्स, सिक्स इज द फेस वैल्यू एंड ये कौन सी प्लेस है? हंड्रेड। ओके, तो ये हो गया सिक्स हंड्रेड। नेक्स्ट फेस वैल्यू इज फाइव एंड द प्लेस नेम इज थाउजेंड, सो दिस इज अ फाइव थाउजेंड। ओके, तो इसको हम जब ऐड करेंगे और देखो रीड करो ये नंबर 5632 और इसको रीड करो 5632, कुछ फर्क है इसमें? नहीं। तो एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब ही क्या? किसी भी नंबर को ऐसे एक्सपेंड करके लिखना है। अभी ये मैंने वर्टिकली लिखा है, लेकिन जब आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको वो कैसे लिखना है? हॉरिजॉन्टली लिखना है। ओके, मतलब ही अब डायरेक्ट आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इस फाइव की प्लेस वैल्यू का। और मैंने और एक एग्जाम्पल, सॉरी और एक मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि इस फाइव के ऊपर कितने नंबर है, कितने डिजिट है, वन टू थ्री डिजिट है, तो आप यहाँ पे थ्री जीरो लगाओ। ओके, देन प्लस इस सिक्स के ऊपर कितने डिजिट है? टू, तो सिक्स के बाद आएंगे टू जीरो। प्लस आफ्टर दिस थ्री हाउ मेनी डिजिट्स? वन, सो पुट वन जीरो। और इस टू के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, तो ये सिर्फ टू। समझ में आया आपको? ये कितना इजी है देखो, और हम बड़े बड़े एग्जांपल लेके सॉल्व करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 36,200। आपको एक्सपेंडेड नोटेशन में लिखना है तो पहले आपको नंबर रीड करना आना चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे आंसर लिखती हूँ। आपको क्या करना है? पहले इस नंबर को यहाँ पे लिखना है, इसके बाद कितने डिजिट है? तो फोर डिजिट है, तो आपको यहाँ पे देना है फोर जीरो। ओके, दिस इज अ प्लेस वैल्यू ऑफ थ्री, 30,000। प्लस उसके बाद क्या है? सिक्स है, सो सिक्स के बाद कितने डिजिट है? थ्री, सो राइट हियर थ्री जीरो, मीन्स वैल्यू ऑफ सिक्स इज 6,000। प्लस टू के बाद कितने जीरो है? टू। अभी यहाँ पे देखो टेंस एंड वंस प्लेस पे कुछ भी नहीं है, तो आपको आगे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। कोई कोई लिखता है कि प्लस जीरो जीरो प्लस जीरो, जरूरत नहीं है, आप यहां तक लिख के छोड़ोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट, दिस नंबर इज 8 लाख। आपको एक बार रीड कैसे करते हो भी बताती हूँ। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख, मीन्स ये 8 लाख है, 8 लाख। उसके बाद बीच में कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट 500 टू है, तो ये नंबर तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना कितना इजी हो गया। देखो 8 के बाद कितने डिजिट है? लाख मतलब 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5, मैंने यहाँ पे 50 लगा दिए। प्लस यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, फिर डायरेक्ट 5 लेंगे हम, उसके बाद 2 डिजिट है इसीलिए 20। प्लस 2 क्योंकि टेंस प्लेस भी नहीं है। नेक्स्ट, अभी ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत इजी है। अभी ये नंबर भी कैसे रीड करोगे आप? वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, टेन लैख एंड क्रोर, मीन्स ये क्रोर प्लेस है। ओके, तो 7 क्रोर मीन्स 7 के बाद, मतलब फर्स्ट नंबर के पास कितने डिजिट होने चाहिए? 7 डिजिट होने चाहिए, मतलब नंबर भी कितने आएंगे? कितने नंबर आएंगे? 7।
ओके अगर आपको ऐसे नहीं पता चलता है तो जैसे मैंने बताया इस 7 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है, तो 0 भी कितने आएंगे 7। और जब आप लिखोगे तब जरा काउंट करके लिखो ताकि मिस्टेक ना हो, 1 2 3 4 5 6 7। और कॉमा मैंने आपको सिखाया है 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा, प्लस यहाँ पे क्या है 6, सो राइट हियर 6 एंड आफ्टर दैट 6 देर आर 1 2 3 4 5 6 0, 6 डिजिट, तो 6 0 देना है। अगेन कॉमा 3 डिजिट के बाद, नेक्स्ट 2 डिजिट के बाद, फिर से प्लस, उसके बाद है 8, तो कितने 0 आएंगे 5। यहाँ पे हमने 6 दिए तो यहाँ पे ऑब्वियसली 5 होंगे, तो बार बार भी काउंट करने की जरूरत नहीं है, उतने तो स्मार्ट आप हो ही। प्लस उसके बाद है 3, 1 2 3 4 डिजिट, 4 0 मीन्स 30,000। इसके बाद 0 है तो कुछ भी नहीं आएगा, प्लस 8 के बाद 2 डिजिट है तो 2 0, प्लस 9 के बाद 1 डिजिट है तो 1 0, और इसके बाद कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। तो देखो कितना इजी है, तो अब एग्जाम में जब भी आएगा तब आप ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करोगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने आपको जो भी पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आया है, और मैंने इसके पहले भी प्लेस वाले चैप्टर पे वीडियो बनाया है और इसके बाद भी बनाने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और एंड स्क्रीन में जो प्लेलिस्ट आएगी उसे भी एक बार ज़रूर देख लीजिए ताकि प्लेस वैल्यू इस टॉपिक के ऊपर आपका जो नॉलेज है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।